कुछ सीधा सीधा बातें बता दूँ जिसको नहीं पता, जद्दा से मदीना जो है वो तकरीबन 400 किलोमीटर का रास्ता है। शुरू में जो हाईवे है वो आपको 100 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है, उसके बाद ग्रेजुअली बढ़ेगी, 120 हो जाएगी। और दाबान का कट जो आता है उसके बाद जो है वो 140 की स्पीड हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए ब्लॉग के साथ जो है वो सुबह सुबह आज फिर हाजिर। आज जुम्मे की सुबह हो रही है इस वक्त और टाइम हो रहा है 7:51 और रातों रात मूड बन गया हम दोस्तों का कि सुबह जुम्मे की नमाज जो है वो मदीना में पढ़ते हैं। तो आज एक रोड ट्रिप है मदीना का, तो मैं इंशाल्लाह पूरे रास्ते आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाता हुआ जाऊँगा। सिर्फ मस्जिद नबी नहीं बल्कि हम जो है वो बाकी मसाजिद, सभा मसाजिद भी कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला, और मज़ा आएगा आपको इस व्लॉग में, काफ़ी इंफॉर्मेटिव व्लॉग होगा ये। तो फिर मिलते हैं। अल्लाहु 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 अल्लाह। यार पहला स्टॉप हम लेंगे सास्को पे, जो कि जद्दा से तकरीबन 220 किलोमीटर है, क्योंकि अभी तक किसी ने ना चाय पी है और ना कुछ पेट पूजा हुई है, शक्लें भी ऐसी हो रही हैं अभी तक। जब तक चाय नहीं उतरेगी ना कुछ भी नहीं होगा। हाथ हिला दो यार तुम लोग भी। यार ये मेरे दोस्त हैं राशिद, पीछे सलमान, सलमान को तुम लोग पीछे एक व्लॉग में देख चुके हो। तो अगली मुलाकात होती है सास्को पे चाय के साथ इंशाल्लाह। यार हवा से पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही हो कि नहीं आ रही हो। अच्छा खासी ठंड है, 16 टेम्परेचर हो रहा है इस वक्त और यहाँ पे हो गए सास्को के और शायद नहीं, और साथ में मैंने कुछ सैंडविचेस वगैरह लिए वो खाएंगे। मेरे बैग में शायद आपको हल्का भी नज़र आ रहा और दुरतुल मगरब से जो है वो हम शायद नहीं पिएंगे अभी। भाई चाय पी के सैंडविच खा के क्रोसेंट वगैरह खा के हम लोग निकल रहे हैं दोबारा। और क्या खतरनाक सर्दी है यार, 16 है टेम्परेचर हालांकि, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही है कि इतनी सी देर में जो है वो हाथ फ्रीज हो चुके हैं बिल्कुल। तो अब आगे चलते हैं। कंजुल कामी अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मे की नमाज से काफी देर पहले हम जो है वो मदीना पहुंच गए और आते ही जो है वो सबसे पहले वजू किया और रोज़ा रसूल पे हाजिरी दी और उसके बाद जो है वो मस्जिद के अंदर जाकर बैठ गए। नेमत का खजीना है मौला गंजी। जुम्मे की नमाज के बाद ज्यारतों का सिलसिला शुरू हुआ और सबसे पहली ज्यारत जो हमने की वो थी सभा मसाजिद। सभा मसाजिद को जो है वो जामा खंदक भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गजवा खंदक भी हुई थी। गजवा खंदक से पहले पहले जो है यहाँ पे टोटल 7 मसाजिद थी, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो सभा मसाजिद पड़ा। इनमें से 3 मसाजिद को मिला के ये मस्जिद बनाई गई जो आप उसी वक्त देख रहे हैं, और बाकी रिमेनिंग 4 जो मस्जिदें थीं वो बंद कर दी गई हैं। आगे आने वाली वीडियो में आप वो 4 मस्जिदें भी देखेंगे। अल्लाहु अल्लाहु। जो 4 मसाजिद बंद कर दी गई उसमें ये है पहली मस्जिद। ये है दूसरी मस्जिद। ये है तीसरी मस्जिद और ये है चौथी मस्जिद। सभा मसाजिद से फरागत के बाद हमारी अगली मंजिल थी मस्जिद क़िबलतैन। मस्जिद क़िबलतैन की हिस्ट्री में आपको बताता चलूँ कि मक्का में 13 साल और हिजरत के मक्का से हिजरत के 14 माह तक मुसलमान जो है वो मस्जिद अक्सा मतलब क़िबला अव्वल की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ा करते थे। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज़ अदा कर रहे थे, तो नमाज के बीच में ही वही में हुक्म आया और आपने जो है वो अपना रुख जो है वो खाने काबा की तरफ कर लिया, इसीलिए जो है वो इस मस्जिद को मस्जिद क़िबला तैन भी कहते हैं। यही वो मस्जिद है जहाँ से क़िबला चेंज होकर खाने काबा हुआ।
हमारी अगली मंजिल थी सैयदुश्शोहदा, मतलब ओहद माउंटेन्स। ये वो जगह है जहाँ पे गज़वा ओहद हुई थी। वीडियो में नज़र आने वाली पहाड़ की चोटी वही है जिसपे हुक्म दिया गया था कि इस पहाड़ी को ना छोड़ा जाए भले जंग ख़त्म हो जाए। और ये वही पहाड़ी है जिस पर पलट कर कुफान ने वापस हमला किया था, और इस हमले में जितने सहाबे कराम शहीद हुए थे वो सारे यही मदफून हैं, उन्हीं की कब्रें हैं यहाँ पर। जिब्रीले अमी पैगामे खुदा लेकर आए थे शबे असरा, अल्लाह ने अर्श पे बुलवा। हमारी आखिरी ज़्यारत जो है वो मस्जिद कुबा थी। मस्जिद कुबा के बारे में मैं आपको बताते चलूँ कि ये मुसलमानों की पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से रखी थी। भाई अपना विजिट हो गया कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह। हरम में जुम्मा पढ़ लिया, सारी जो है वो ज़्यारतें वगैरह कर ली हैं। सिर्फ जन्नतुल बकी नहीं जा सके क्योंकि वो खुला हुआ नहीं था। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़्यारतें भी कर ली हमने, तो एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग देखने को मिला होगा उम्मीद है मुझे आपको। इसके अलावा अब वह जो है वो हमारी वापसी की तैयारी है। वापसी में हमें तकरीबन लगेंगे 3.5 घंटे, बीच में नमाज वगैरह के लिए रुकेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अगर कोई करेक्शन करना चाहते हो आप में इस पूरे व्लॉग में तो लाजमी मुझे बताइएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। Allahu la ilaha